हेमंत पराशर को अब इस वक्त, क्योंकि वकील उन्होंने जाहिरी तौर से बदल लिया है, हेमंत पराशर को इस बारे में राइट नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन वो उसकी तरफ से लगाए। हाँ, हेमंत पराशर अगर चाहे तो मैं अब जल्दी इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए मैंने केस तैयार कर लिया है और मैं जल्दी फाइल करने जा रहा हूं। अगर वह जेवर कोर्ट से नहीं हमारी सुनी गई, कोई बात नहीं, तो हम सेशन कोर्ट जाएंगे। अगर सेशन कोर्ट से भी हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट से भी हमारी बात को फेवरेबल कोई ऑर्डर नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हेमंत पराशर अगर चाहें तो इसकी बेल कैंसिल कराना, तो हेमंत पराशर मुझे एक सपोर्टिंग एफिडेविट दे सकते हैं जो मैं बेल एप्लीकेशन लगाऊं, कैंसिलेशन के लिए लगाऊंगा, कि जनाब मैं इनका वकील था और इन्होंने मुझे धोखे में रखा और मुझे गलत बयानी की कि भाई मेरा नाम सीमा है, मैं फला फला की वाइफ हूं, और सचिन ने भी ये गलत एफिडेविट दिया और उसने बताया मेरी जानकार है, जबकि अब ये कहता है कि ये इसकी बीवी, मेरी बीवी है, तो मुझे गलत जानकारी में रखा, कोर्ट के साथ भी धोखा किया, लिहाजा मुझे गुमराह किया और कोर्ट को भी गुमराह किया। मैं ये शपथ पत्र इनके खिलाफ दे रहा हूं और इसकी बेल कैंसिल की जाए, क्योंकि ये धोखा करके ये जमानत ली गई है। अगर वो एफिडेविट दे देता है और मैं उस एफिडेविट को बेल कैंसिलेशन के साथ लगा सकता हूं, लगा देता हूं, तो वो केस में जो है उसकी बात को, हेमंत की बात को भी सुना जाएगा और बेल कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। और ये जो एफिडेविट इन्होंने लगाया है ना, वो एफिडेविट भी हम कोर्ट में कॉल करेंगे और वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। अब तो 100% ये मान के चलो, क्योंकि मैंने शुरू में, अगर मैं चाहता तो शुरू में भी बेल कैंसिल के लिए मैं डाल सकता था कोर्ट में, लेकिन मेरी लीगल चाल ये थी कि मुझे ऐसे बहुत सारे सबूत मिल जाएं जिसमें कोर्ट मना ही ना कर सके कि हाँ इसकी बेल हम कैंसिल नहीं करते, और मुझे एक ऐसे एफिडेविट की तलाश थी, या तो सीमा दे दे, या सचिन दे दे, या नेत्रपाल दे दे, या एपी सिंह दे दे। तो वो मैंने जो जाल बिछाया था उसमें ये फंस गए हैं बुरी तरीके से, गुगली में, कानूनी गुगली में ये फंस चुके, तो इन्होंने एफिडेविट दे दिया। इन इन नासमझ लोगों ने ये भी कोशिश नहीं की कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें तो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आएंगे, ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि कहीं वहां भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, कहीं महिलाएं इकट्ठी ना हो जाए और कोई इनकी जो है ना छित्र प्रेरणा कर दे, इनके लिए मुश्किल खड़ी ना हो जाए। ये आएंगे, चुपचाप आएंगे और पतली गली से निकल जाएंगे। एपी सिंह पेश होगा 101%, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लेकिन इनको पता है, इनको पता है अगर पेश नहीं होंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर होगा, फिर सीमा हैदर की कोई सुनवाई नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ गुलाम हैदर की सुनी जाएगी और तुरंत प्रभाव से उसकी एविडेंस लेकर के एक तरफा फैसला गुलाम हैदर के हक में आएगा। हाँ, और अगर कोर्ट कहती है कि भाई क्योंकि कोर्ट भी दोनों पक्ष कोर्ट के लिए बराबर होते हैं, तो अगर बिल्कुल कोर्ट कहती है भाई चलो ठीक है, अगर इस बार नहीं आए तो एक मौका और दे देते हैं, क्योंकि कोर्ट भी इस बात को कह सकते हैं, तो हम उसमें पर छोटी तारीख लेंगे और बाकायदा हम कोर्ट में से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दोबारा नोटिस जाए वो रघुपुरा के एसएचओ के थ्रू जाए, वो हम रघुपुरा के एसएचओ के थ्रू तामील कराएंगे, ताकि फिर ये मना ही ना कर सके। देखिए, ये हालात मैंने पैदा किए हैं ना, आप समझो, ये सुकून से रह रही थी, चैन से रह रही थी, डांस का, अब कहीं आपको रोज डांस करके, रोज नाच गाने करके, रोज ये रील बना बना के डाल रही थी, अब आप देख रहे हो कहीं डांस गाना नाच कहीं हो रहा है? अब तो खिसियानी सी, मुंह इसका देखो, चेहरा इसका उतरा हुआ, कैसे बैठ के सिर्फ इल्जामबाजी, गालियां गलौज कर रही है। वो एक नाच गाने का जो खुशी थी वो तो खत्म होगी ना, ये कब हुआ है? जब चारों तरफ से कानूनी रूप से हमने इसको फंसाया है, वो फंस चुकी है। अब रही हेमंत की बात, तो आपको पता होगा कि जिस वक्त इन्होंने, एपी सिंह ने भी 2-4 दिन पहले एक फर्जी सा के एक बाइट चलाई थी कि हमने मोमिन मलिक पे केस डाल दिया, ये डाल दिया, और जो इसके सीमा भक्ति में 2 चैनल है उन्होंने भी चला दिया, केस दर्ज हुआ, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोर्ट उसको देखेगी, समझेगी, बाद में ऑर्डर करेगी, अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ, ये सब जो ना फर्जी बातें चला रहा है मीडिया में आने के लिए। तो जब वो कोर्ट में इसने डाल के मीडिया पे चला दिया, और जैसे ही मैं शाम को लाइव आया और गाड़ी में मैं था, रास्ते में रात को लाइव आया, आपने देखा होगा वो लाइव, हंसते हंसते मैंने जो इसको जवाब दिया कि मेरे जाल में खुद ही फंस गए। तो जब इसकी, सचिन की जमानत हुई, तो सचिन ने ये कहा अपनी बेल एप्लीकेशन में कि सीमा हैदर को मैं, मेरी जानकार है और मैं इसको जानता हूं सिर्फ जानकार के तौर पे, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरी ये बीवी है ना कुछ है, ये बेल एप्लीकेशन में कहा।
उसके साथ एक एफिडेविट लगता है, सचिन का वो एफिडेविट लगा जिसके अंदर वो कहता है कि ये मेरी जानकार है, उसके अंदर ये नहीं कहा कि मेरी बीवी है, एक कोर्ट में वो एफिडेविट है। और जो एपी सिंह ने जो केस लगाया उसके अंदर एक एफिडेविट लगाया एपी सिंह ने, क्योंकि एपी सिंह को कानूनी अकल तो है नहीं, दिमाग सटिया गया, बूढ़ा हो गया है, उसको कानूनी अकल नहीं है। उसने एफिडेविट ये लगाया कि जी सीमा हैदर मेरी वाइफ है और मैं सचिन मीना सीमा हैदर का हस्बैंड हूं। अब मेरे पास वो एफिडेविट है जो इसने बेल के समय लगाया था, बेल के टाइम पे लगाया था, और ये एफिडेविट भी आ गया है। तो जब इन दोनों एफिडेविट को कोर्ट देखेगी कि एक तरफ एक एफिडेविट में तो कह रहा है जी मैं इसको मेरा ये जानकार है खाली, मेरी कोई पत्नी नहीं है, दूसरे एफिडेविट में कह रहा जी ये मेरी पत्नी है, मेरी नेपाल में शादी हो चुकी, तो दोनों में से फर्जी एफिडेविट कौन सा है कौन सा ठीक है, खुद ही फंस गया ना। बिल्कुल, कोर्ट ही सचिन के खिलाफ 427 जालसाजी का, फरेब करने का, धोखाधड़ी का, गलत एफिडेविट का, इसके खिलाफ केस दर्ज करा देगी कोर्ट। जब हम एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में कि जनाब ये देखो यहाँ एफिडेविट में क्या कह रहा है और यहाँ एफिडेविट में क्या कह रहा है, तो जब मैंने लाइव में ये जवाब दिया तो एपी सिंह के तोते उड़ गए, सचिन मीना के भी तोते उड़ गए। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि यार कौन सा एफिडेविट है सचिन का, तो उन्होंने पारासर से वो कागज मांगे कि हमें वो कागज दो, वो कॉपी दो। अब पारासर ने वो दी नहीं, अब जब पारासर ने दी नहीं इधर इनकी इनकी हालत खराब होगी। इन्होंने केस तो डाल दिया लेकिन डाल के अपने गले में फंदा खुद डाल दिया इन्होंने, तभी तो मैं हंस रहा था कि मेरे बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए कि कानूनी रूप से क्या है। तो देखिए मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई चारों तरफ से मैं कभी का कर चुका हूं, कुछ कार्रवाई मैंने डिस्क्लोज कर दी है सबके सामने, कुछ मैंने डिस्क्लोज नहीं की है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसके सोशल मीडिया बंद करने के लिए भी मैंने केस डाल दिया है वो काफी दिन से डला हुआ है, उसकी तारीखें लग चुकी है और आइंदा तारीख उसकी 30 तारीख है, जिसके अंदर हमने गूगल को पार्टी बनाया है, जिसके अंदर हमने यूट्यूब को पार्टी बनाया है, जिसके अंदर हमने फेसबुक को पार्टी बनाया है, और उसमें वो सीमा हैदर को पार्टी बनाया, और उसके अंदर हमने बाकायदा इसके सभी अकाउंट्स को जो है उसके अंदर लिखा है, और हमने बताया है कि भारतीय कानून के मुताबिक सेक्शन 11A के मुताबिक कोई भी ऐसा फॉरनर्स जिसपे जो आपराधिक मामलों का है वो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकता। और ये सोशल हम कैसे इफेक्टेड है, किस प्रकार उन चैनलों पे आकर के और हमारे खिलाफ फर्जी बातें चलाई जा रही है, तो वो सारी हमने कोर्ट को बताई है। तो कोर्ट ने 30 तारीख उसमें लगाई है, वो कभी का केस फाइल हो चुका है उसमें तारीख, लेकिन मैं मेरी आदत है जब तक मैं कोई काम करने लेता मैं उसको बताता नहीं हूं, तो उसको 30 तारीख लगी हुई है, और 30 तारीख में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह के गूगल को नोटिस जारी होगा और इसके सारे चैनल जो है आने वाले समय में बंद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये इसके अलावा जो बच्चों के हवाले से है, तो जो बच्चों का धर्म परिवर्तन इसने कराया था एपी सिंह ने, वो हमने पुलिस में कंप्लेंट दी थी और कार्रवाई के लिए कहा था, उस पर इंक्वायरी चल रही थी, तो हमने कोर्ट में भी उसको अर्जी लगाई है। तो कोर्ट ने बाकायदा फरीदाबाद की कोर्ट ने SHO बल्लभगढ़ को नोटिस जारी करा है और उनसे पूछा है कि आपने क्या कार्रवाई करी है, उसमें भी 27 तारीख मंडे की लगी हुई है, उसको मेरे जूनियर्स जाके देखेंगे क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में रहूंगा। तो SHO को नोटिस जारी हो चुका है, उसमें DCP ACP सबको कोर्ट ने पूछा है कि बताइए आपने इस मामले में क्या किया है, और अपनी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट उन्होंने दे दी है पिछली तारीख पे और दूसरी रिपोर्ट वो देने वाले हैं। तो मैंने एक CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, CWC ने भी SP गौतम बुद्ध नगर को नोटिस जारी कर दिया है काफी दिन पहले, और ये पूछा है कि ये बच्चे यहां से आप लेके गए थे तो आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी, क्यों नहीं हमें बताया, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं कहा, इसका कारण बताइए। तो वो SP गौतम बुद्ध नगर को कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो वो भी नोटिस जारी कर चुका है, कर चुके। मैंने चारों तरफ से इनको जो ना बांध दिया है और इनका निकलना मुश्किल है। यही वजह है कि ये जहनी तवाजो खो चुके हैं और ये गाली गलौज पे उतर आए हैं। जैसा कि आपके याद हो, मैंने बहुत समय पहले ये कहा था, बहुत टाइम पहले ये कहा था कि एक दिन वो आएगा कि सीमा हैदर बहुत ज्यादा नीचे गिर के अपने उससे वकार से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी और बहुत गलत बातें कहेगी। आपके याद है, आपके चैनल पे मैंने शायद कहा था, बिल्कुल। तो वो समय आ गया है, ये समय आप याद करिए, जब मैं इसमें कोई भी वकील नहीं था, जब मुझे इसमें वकील किया गया था और जो मैंने रात दिन मेहनत की थी इसमें, और वो चारों तरफ से केसेस डाल करके ये लोग, एपी सिंह भी फंस चुका है, मित्रपाल भी,
और ये सारे लोग फंस चुके हैं, सीमा खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार चुकी है और इसकी वजह से ये परेशान है, बाध्य है, चाहे वो कहीं की भी पुलिस हो। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस कोई सीमा के साथ नहीं है, सभी अधिकारी गलत नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि बहुत अच्छी छवि है, वो सीमा पे नजरें रखे हुई है। एक दो ऑफिसर हो सकता है जो लोकल ऑफिसर है इसके साथ मिले हुए हों, उनपे भी सरकार की नजरें हैं, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी अधिकारी खराब नहीं है, अच्छे ऑफिसर भी हैं और उनको भी पता है कि देश की सुरक्षा क्या चीज है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा क्या चीज, वो भी जवाब दे। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में ये बोल रही है तो उनको, उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और इन इन पे जो है वो इस तरह के जो बातें कह रही है उनका कोई महत्व नहीं है। ये बेहिस हो चुकी है, ये निरी जलील हो चुकी है, इसकी नजर में कोई इसको गालियां दो, कोई इसको जलील करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये जो है इसको पता है कि सारी दुनिया में जलील हो चुके हैं, फिर भी बेशर्मों की तरह आके पूछती है और क्या हालचाल। नीचे कमेंट में इसको इतनी गालियां लिखते हैं लोग, इतना गंदा गंदा बोलते हैं, उसके बाद ये कोई जीवन है क्या? ये कोई जीवन नहीं है, बेइज्जती करा के जीना क्या जीना है, कोई जीना नहीं है। और इस प्रकार की जो ये गालियां दे रही है, इससे इसके कैरेक्टर का पता लग रहा है लोगों को, कि जो ये कुछ लोग जो इसके समर्थन में भी थे, इसकी गालियां सुन के किसी को साला बोल देती है, किसी को बुरी बुरी गालियां दे देती है, तो वो सब सुन के लोगों की आंख खुल रही है। अच्छा ये गालियां दे रही है, कम से कम जो लोग इसके हक में थे वो भी इससे नाराज होकर के इससे अलग हो गए, उनको भी पता लग गया है कि ये लोग है कौन। उसका तो ये कहना है कि एक निहत्थी जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके साथ साथ ये मिलके सब फाइट कर रहे हैं, यानी कि नामर्द एक लड़की से लड़ रहे हैं, एक औरत से लड़ रहे हैं, उसका तो ये कहना होता है। हाँ तो देखो, वो लड़ाई जो है वो एक महिला से नहीं है, वो लड़ाई जो है एक गैर कानूनी तरीके से लड़ाई है, वो महिला से लड़ाई नहीं है। ये गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल इसने किया है भारत में आने के लिए इलीगल रूप से, और भारत में रहने के बाद भी कानून की वायलेशन कर रही है। तो लड़ाई सीमा से नहीं, सीमा के द्वारा जो क्राइम किया जा रहा है लड़ाई उस क्राइम से है, सीमा के द्वारा जो कानून का वायलेशन किया जा रहा है उस वायलेशन से लड़ाई है, सीमा से लड़ाई नहीं है। जब कानून का वायलेशन छोड़ देगी वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, और जो कानून का वायलेशन किया है उसकी सजा इसको मिलेगी, इसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। लड़ाई का मतलब कोई जाके इसके सिर में डंडा कोई मार रहा है या कोई इसके ऊपर हमला कोई कर रहा है। जैसे जैसे ये इसकी जुबान चलती जा रही है, जिस प्रकार ये कानून की वायलेशन कर रही है, वैसे वैसे लोग इसको जवाब दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है? अगर ये बुराई को सरेआम इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दुनिया के बीच में फैला रही है, तो इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से ही दुनिया के लोग उसको इसका आईना दिखा रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं, तो महिला से लड़ाई कहां होगी? ये तो एक बुराई से लड़ाई है ना। और उस बुराई जितनी तेजी से फैलती है, जिस माध्यम से फैलती है, जिस तेजी से फैलती है, उसी माध्यम से, उसी तेजी से उस बुराई का विरोध होना चाहिए, उस बुराई को आईना दिखाया जाना चाहिए कि ये आप क्या कह रहे हो और इसका समाज में क्या इफेक्ट है, ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है, और दुनिया के लोग उसको आईना दिखा रहे हैं।